पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। अरुण यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार के दौरान हुई जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। हम सरकार से विनती कर रहे हैं, मेहरबानी करके जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करें और जो पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण का गैप लगा रखा है उसे समाप्त करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश में 20-22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जो विकास यहाँ होना चाहिए था वह विकास नहीं हुआ है। जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी जातिगत जनगणना कराई गई थी और सिर्फ उसके आंकड़े ही आने रह गए थे, पर सरकार बदलने के कारण आंकड़े नहीं आ पाए। यदि कांग्रेस की सरकार रहती तो जातिगत जनगणना पहले ही हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। 10 साल की मोदी सरकार ने भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम ये सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि मनमोहन सरकार की कराई गई जनगणना के आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए, क्यों अभी तक इन आंकड़ों को छुपाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार और उनके मंत्री सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों की बात ही करते हैं। आज तक उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ नहीं किया और जो हमने किया उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी। हम उनसे विनती करते हैं कि ये उन आंकड़ों को जारी करें और साथ ही इन्होंने जो 50% आरक्षण का गैप लगाया था उसे समाप्त करें। 2011-12 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार देश में थी तब हमने जातिगत जनगणना का काम शुरू किया और ऑलमोस्ट जनगणना पूरी हो चुकी थी, खाली आंकड़े रिलीज करने का काम बाकी था। उसके बाद सरकार पलट गई, सरकार दूसरी सरकार आ गई। पिछले 10 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और लगातार पिछड़ों की बात जरूर करते हैं। जो भी बात होती सिर्फ जमानी जमा कर शुगर खत्म हो जाती। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।